हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, जिसको हम कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब ये सेकंड टॉपिक है, इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक से जो हमने फॉर्मूला लिया था वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला था? सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। क्यों? क्योंकि क्यू क्या था? चार्ज था जो कि किसी कंडक्टर को दिया जा रहा था। जितना ज़्यादा चार्ज उस कंडक्टर को दिया जाएगा, पोटेंशियल उसका इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। उस लिमिट के बाद अगर उसको हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। तो वही क्या है? उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमें कैपेसिटेंस निकालना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर की। जब उसको हमने चार्ज दे दिया, तो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर उसको हम दे रहे हैं तो उस स्फेरिकल कंडक्टर पर वो इस तरह से बिहेव करने लग जाएगा कि सारा का सारा चार्ज जो है उसके सेंटर पर सेंटर्ड हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक हमने स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया है। इसमें हमने क्या किया? यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसके सरफेस पे कुछ इस तरह से चार्जेस आ जाएंगे। अब ये सेंटर्ड है, तो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने चार्ज लिया है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली अगर हम चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस बनेगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। उसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? इनवर्ड डायरेक्शन होगी। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है वो बिहेव ऐसा करता है कि सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर प्रेजेंट हो, तो अगर सेंटर पर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो इस तरह से आउटवर्ड बनेगी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाए, किस बेस पे हम डिराइव करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूले से डिराइव करने वाले हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया है जो कि हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ लिया था। सेकेंड चीज हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी है। वी यानी ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और आइसोलेटेड है, इस पर जब इसको चार्ज किया गया यानी चार्ज दिया गया, तो एक क्या है? ये कंडक्टर है, चार्ज दिया जा रहा है, तो चार्ज को लेने की उसकी जो कैपेसिटी होगी वो कैपेसिटेंस होगी, और उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है, पोटेंशियल बनता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अब हमें लिखना है कि ये जो पोटेंशियल है इसको हम क्या लिखेंगे? के क्यू अपॉन स्मॉल आर लिखेंगे। ये स्मॉल आर क्या है? इसकी रेडियस मान ली हमने। अब क्या होगा कि ये यहाँ पर जो के है, अगर हम इस स्फेरिकल कंडक्टर को किसके अंदर प्रेजेंट माने कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है वो एयर या वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में सिचुएटेड है, तो फ्री स्पेस के लिए जो के का फॉर्मूला हम लिखते हैं वो 1/4πε0 लिखते हैं। यहाँ पर इसको लिखेंगे v इक्वल्स टू 1/4πε0, q आ गया हमारे पास एंड स्मॉल r आ गया। अब इसी इक्वेशन को हमें पुट करना है किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया यहाँ से? v निकाल लिया है। और अगर हम इस स्फेरिकल कंडक्टर को एट प्रेजेंट किसमें मान रहे हैं? एयर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर k का फॉर्मूला लिखा जाएगा 1/4πε0। अब इस v को हम पुट कर रहे हैं c के फॉर्मूले में। C इक्वल्स टू क्यू अपॉन डिवाइड में यहाँ पर Q आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 4πε0 R। Q से Q कैंसिल आउट, C इक्वल्स टू 4πε0 स्मॉल r। इसका मतलब क्या है? देखिए, 4π ये नंबर है कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये परमिटिविटी होती है किसकी? फ्री स्पेस की या फिर एयर वैक्यूम की। तो ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? स्मॉल r। इसका मतलब क्या है? अगर स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस इंक्रीज की जाए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, यानी c जो है वो यहाँ पर क्या आया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r और रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो इस तरह से हम इसका कैपेसिटेंस डिराइव करते हैं। फर्स्ट हमने
कैपेसिटी पड़ी थी किसकी, कंडक्टर की। अब हम उस कंडक्टर को किसके लिए ले रहे हैं, मान लो उस कंडक्टर को हमने स्फेरिकल रूप में लिया है, स्फेरिकल फॉर्म में हमने कंडक्टर को लिया है, उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, आइसोलेट किया है, देन कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाया, पोटेंशियल जो इस पर होगा वो कितना होगा ये। अब हमने इसको क्या कंसिडर किया है, एयर वैक्यूम में कंसिडर किया है, तो के का फॉर्मूला 1/4 πε0 लगेगा। अब अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला आया है वो किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। अगर इसी को ही हम किसमें मान लें, अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर को हम किसी मीडियम में कंसिडर कर लें तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आना चाहिए। देखिए, हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी थी, हमने किसकी बात की थी, रिलेटिव परमिटिविटी की बात की थी। अगर एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो इन दोनों का रेशियो, ये क्या है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और ये क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी होगी। अब अगर हमें मीडियम में क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, तो हमें यहाँ पर जो हम परमिटिविटी लिख रहे थे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसकी जगह हमें लिखना है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इस फॉर्मूले से। अब एप्सिलॉन एम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ये किसके रेफरेंस में हम लिखते हैं, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट के बारे में पता होता है और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पता होता है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वही क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो किस तरह से बनेगा, जब हम स्फेरिकल कंडक्टर को मीडियम में कंसिडर कर रहे हैं, तो सी इक्वल्स टू, यहाँ फॉर्मूला हमारे पास था 4 πε, एप्सिलॉन नॉट की जगह हमें एप्सिलॉन एम लिखना है, स्मॉल आर लिखना है, और एप्सिलॉन आर हमारे एम कितना आया है, 4 πε एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होगा किसका, मीडियम के लिए। फर्स्ट हमने देखा कि फर्स्ट हमारा फॉर्मूला था 4 πε एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको हम लिखते हैं मीडियम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया है, तो फॉर्मूला हमारा बन गया सी इक्वल्स टू 4 πε एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ये स्मॉल आर। अब ये भी क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन आर भी किसी एक मीडियम के लिए क्या रहेगी, रिलेटिविटी परमिटिविटी कॉन्स्टेंट रहेगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी फिक्स। अगर ये फिक्स वैल्यू है तो यहाँ पर रेडियस बच रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या होगी कि रेडियस पे डिपेंड करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हम दो स्फेरिकल कंडक्टर ले लें, यूनिफॉर्मली उसको चार्ज कर दें, आइसोलेट कर दें, तो दोनों की जो कैपेसिटेंस है एयर वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में, उसका अगर कंपैरिजन करें तो वो रेडियस पे किस तरह से डिपेंड करता है। फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा कि C1/C2 करेंगे फर्स्ट स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस अपॉन सेकेंड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस, तो उनके रेडियस भी कैसी आएगी, R1/R2 आएगी। तो देख लेते हैं इसको, इफ दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल कंडक्टर, इसको क्या लिखेंगे, 4 πε एप्सिलॉन नॉट R1, इसकी रेडियस क्या हो गई, R1 हो गई। सेकंड अपन स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, उसकी कैपेसिटेंस हो गई C2, 4 πε एप्सिलॉन नॉट R2। इन दोनों का ही हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। मान लो C1 C2 की वैल्यू दे रखी है या फिर R1 R2 की वैल्यू दे रखी है, और तीसरी वैल्यू हमें दे रखी है या तो C1 की या C2 की या R1 की या R2 की, तो चारों में से अगर तीन वैल्यूज हमें दे रखी है, चौथी वैल्यू पूछी है, तो इस फॉर्मूला से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इनका जो रेशियो है वो किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करेगा। तो अगर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम क्या कर दें, कंपेयर कर दें या इनका डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, इसका रेशियो मिल जाएगा 4 πε एप्सिलॉन नॉट से 4 πε एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, C1/C2 इक्वल्स टू R1/R2। मान लो कि C1 एंड C2 का रेशियो क्या है,
3:1 है। अगर कैपेसिटेंस इसकी क्या है, फर्स्ट स्फेरिकल जो कंडक्टर हमने लिया है 3 फैराड है, सेकंड वाले की कितनी है 1 फैराड है, तो इनका जो रेशियो होगा रेडियस का वो कितना होगा, वो भी सेम यही होगा 3:1। तो इस तरह से हम एक या आधे नंबर का न्यूमेरिकल इसमें पूछा जा सकता है जो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी आइसोलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस पे किस तरह से डिपेंड करती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड अगर हम इसका ग्राफ देखें तो सी और स्मॉल आर रेडियस में ग्राफ बनाना चाहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका बनेगा। तो इस तरह से हम ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस पढ़ते हैं। अब अगर हम पढ़ेंगे कि कोई भी और स्फेरिकल कंडक्टर लें एज ए न्यूमेरिकल, तो उसका हम कैपेसिटेंस किस तरह से निकाल सकते हैं, देखते हैं। सो फर्स्ट केस इज इफ पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन एज 0, सो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ का पोटेंशियल 0 कर दें तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा। अब हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ये क्या कह रहा है कि अगर पोटेंशियल अर्थ का 0 कर दें, तो हमने कर दिया इसको 0, तो इसकी कैपेसिटेंस बताइए, तो बताओ कितनी कैपेसिटेंस होगी। 0 का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हमारे पास वैल्यू आती है, तो अगर अर्थ का पोटेंशियल हम कितना मान लें, 0 मान लें, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी, इन्फिनिटी इसकी कैपेसिटेंस आएगी। दूसरा केस देखते हैं, अब केस सेकंड हम देखते हैं, इफ वी कंसिडर अर्थ एज ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, देन व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। अगर हम अर्थ को एक क्या मान ले, स्फेरिकल कंडक्टर मान ले, अब स्फेरिकल कंडक्टर का हमने क्या कर लिया है, डेरिवेशन कर लिया है, हमारे पास उसका कैपेसिटेंस आया है सी इक्वल्स टू 4π ε₀r, यानी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है रेडियस पर। अब इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 6400 किलोमीटर दे रखी है। अब हम SI यूनिट में क्या लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं डिस्टेंस को, तो हम इसको सबसे पहले चेंज करेंगे मीटर में, स्मॉल r इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर इक्वल्स टू 6400 × 1000, और इसको भी हम चेंज कर लेंगे, अगर हम लिखते हैं 6.4 तो इसको लिख देंगे 10⁶ meter। तो अब हम देखो क्या करते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, C इक्वल्स टू 4π ε₀r, ये स्मॉल r क्या है, इस अर्थ की रेडियस है जो कि हमें दे रखा है, गिवन है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया है, क्योंकि जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो SI यूनिट के बेस पर करते हैं, तो SI यूनिट डिस्टेंस की कितनी होती है, मीटर होती है, किलोमीटर से हमने मीटर में इसको चेंज किया, देन हमें कैपेसिटेंस निकालना है। अब यहाँ पर देखो इनकी वैल्यूज़ आपको लिखना होगा, 4 को पाई से मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करो एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या होती है 8.85 × 10⁻¹² होती है। इतना करने के बजाय आपको क्या करना होगा, के इक्वल्स टू 1/4π ε₀ होता है, तो 4π ε₀ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/k लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया 1/k, मल्टीप्लाई में हमारे पास स्मॉल r है, C इक्वल्स टू 1/, अब k की हम एक ही वैल्यू पुट करेंगे, 3 वैल्यूज़ को अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बजाय हम एक ही वैल्यू लिख पा रहे हैं, 9 × 10⁹, और इसको मल्टीप्लाई करना है स्मॉल r जो कि रेडियस है अर्थ की, 6.4 × 10⁶। अब इसका आंसर निकालना, 711 माइक्रो फैराड, 711 माइक्रो फैराड इसका आंसर आता है। माइक्रो का मतलब क्या है, 10⁻⁶ हम इसको लिखते हैं। तो फर्स्ट केस में, सेकंड केस में हमने बात की कैपेसिटेंस की, कि अगर फर्स्ट केस की बात करें, किसी मान लो किसी अर्थ, कोई अर्थ है और उसका हमने क्या कर लिया है, पोटेंशियल 0 मान लिया है, तो अर्थ का पोटेंशियल 0 होने पर उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। सेकंड केस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि रेडियस मान ली है अर्थ की 6400 किलोमीटर, और अगर उसको एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया जाए
तो हम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं जो कि रेडियस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 4πε0 की जगह अपन ने 1/k लिखा और k का जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 9×10⁻⁹, और इसको रेडियस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, देन हमारे पास आंसर आता है 711 माइक्रोफेरेड। माइक्रो को हम लिखते हैं 10⁻⁶। तो आज हमने बात की कि एक स्फेरिकल कंडक्टर जो कि आइसोलेटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमने उसको चार्ज किया वो इस तरह से बिहेव करेगा कि सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बना देंगे, हमने कैपेसिटेंस लिखा Q/V, पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई किया, एयर वैक्यूम के लिए हमने अलग से फॉर्मूला निकाला और मीडियम के लिए हमने अलग से फॉर्मूला निकाला, फिर अर्थ पे ही हमने दो एग्जांपल्स लिए, पोटेंशियल जीरो है देन कैपेसिटेंस इन्फिनिटी आ जाएगा, एंड अगर रेडियस हमारे पास दी हुई है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा अगर अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर कर लिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।